करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। तुम्हारे अब्बू बिल्कुल सही कहते हैं, मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ हूँ, सबसे बुरी। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा? अगर एक माँ से गलती हो जाए तो क्या वो अपने बच्चे पे हक खो देती है? या अल्लाह, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा कि मैं मेरा बच्चा मेरे पास रहे, कि काले चिनका साया भी उस पे ना पड़े। प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस अपने बच्चे को नहीं खो सकती। प्लीज प्लीज लानती इंसान हो तुम शायरी, रोशनी की हेल्प तक नहीं कर सकी। कहाँ जा रही हैं आप? वापस। तो आई क्यों थी? रोशनी की हेल्प करने। आपका सच मेरे सामने आ चुका है मिस शायरी। कैसा सच? यही कि आप भोली भाली क्यूट इनोसेंट लड़की नहीं, एक चेन शिकारी है। मैं तुम्हें ढूंढने तभी जी के घर गया था, वहां जाकर मुझे पता चला कि तुम ऑलरेडी वहां से जा चुके हो। मैं तुम्हें लेने बाहर जाने ही वाला था कि मुझे कुछ मिला, और मैं तभी समझ गया कि तुम एक चेन शिकारी हो। मुझे तुम पे पहले दिन से शक था, और तुमने बड़ी चालाकी से मुझे ये मानने पर मजबूर कर दिया कि मेरा शक गलत है, कि तुम कोई जिन शिकारी नहीं बल्कि एक आम लड़की हो। ये तुम्हारा है ना? और इस पे ये जिन शिकारी का मार्क कैसे आया? नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा था, लेकिन अब नहीं। सच सच बताओ कि तुम जिन शिकारी हो या नहीं। सर वो, तुम जिन शिकारी हो या नहीं? सर बोलो, तुम जिन शिकारी हो या नहीं? बोलो। हूँ मैं जिन शिकारी, मैं हूं जिन शिकारी। तेरा भाई कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? मैंने आपके भाई के साथ कुछ भी नहीं किया, और वो फोटोज मैंने जानबूझ के नहीं जलाई। शायद वो उसी दिन की फोटोज थी जब मैं उससे पहली बार मिली थी। मतलब तुम मेरे भाई को जानती हो, उसे मिल चुकी हो, और तुमने ये बात मुझसे छिपाई? उसकी वजह थी। जो जानना मैं जरूरी नहीं समझता, मेरे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि मेरा भाई कहाँ है। मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। जिस दिन वो तुम्हारे साथ था उसी दिन के बाद से वो गायब है। क्या किया तुमने उसके साथ? कुछ नहीं किया मैंने आपके भाई के साथ, बल्कि आपके भाई ने मेरे साथ। आपके भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी।
आपके भाई से भागकर मैं यहाँ आ गई, लेकिन हादसे से उसकी यादों से मैं कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाई। मैं जान गई थी कि फरहान एक जिन, और वो मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। इसलिए मैंने अपना शहर छोड़ा और मैं यहाँ भाग कर चली आई। यकीन कीजिए सर, मेरा यहाँ इस घर में वापस आने का कोई गलत मकसद नहीं था। मैं बस रोशनी की मदद करना चाहती थी। तुम एक जिन शिकारी हो, और एक जिन शिकारी के कहीं भी होने का एक ही मकसद होता है, शिकार। अब सच सच बताओ कि मेरा भाई कहाँ है। खुदा कसम मुझे नहीं पता आपका भाई कहाँ है, और मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तो किसने किया? नताशा ने। बेबी को बचा सर। सिम सिम समारो। अब कुछ देर तक काला जिन हमें नहीं सुन सकता, हम आराम से बात कर सकते हैं। हम मेरी बेबी को बचा सकते हैं। हाँ, तुम्हें काले जंगल में जाके वहां आयाना कॉर्नर में तुम्हें अपने बच्चे को जन्म देना होगा। वहां तुम महफूज भी रहोगी और ताकतवर भी। पर मैं वहां जाऊंगी कैसे? काला जिन हर वक्त मुझ पे नजर रखता है। अगर मैं यहां से जाऊंगी तो उसे पता चल जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम यहां भी रहोगी और काले जंगल में भी। वो कैसे? ऐसे? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि नताशा ने मुझे भी हिप्नोटाइज किया था और आप पे अटैक करवाया था। उस दिन अगर शायरी भाभी ने आपकी हेल्प नहीं की होती तो आज नताशा की बॉटल में आप कैद होते। नताशा है कहाँ? चलिए मैं बताती हूँ। मैं दिखाती हूँ इस बॉटल। नताशा तो इसी बॉटल में लग रही हूँ ना, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। पर एक चीज की कमी है। एक सेकंड, इनकी। अब परफेक्ट, अब आप एकदम मेरी जैसी लग रही है। अब तुम्हारी जगह मैं रहूंगी और तुम काले जंगल में जाके आयाना कॉर्नर में आराम से अपना बेबी डिलीवर करना, ओके? पर आपका यहाँ रहना काफी नहीं होगा। काले जिन को मैं नहीं, मेरा बेबी ही चाहिए। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बिल्कुल टेंशन मत लो। पर अगर उसे बेबी नहीं मिला तो वो खान बाबा के पीछे फिर से पड़ जाएगा। मैंने कहा ना, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। मैं अमन को भी उस सौदे से आजाद करा दूंगी, और जब ये बेबी डिलीवर हो जाना तो बेबी को अपने साथ लेके आना, ठीक है?